क्लास 12 टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशंस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस फॉर एल्कोहल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एल्कोहल्स आर लाइक व्हाट इज एल्कोहल नॉमेनक्लेचर्स एंड द क्लासिफिकेशंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल ग्रुप्स. सो वी हैव डिस्कस दैट. नाउ वील फोकस ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल्स इन लैब. सो देर आर इंपॉर्टेंट मेथड्स विच आर गिवन. आई एम अगेन टेलिंग यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम द प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल or chemical reactions of alcohols, many questions are asked, and these particular reactions are related to other chapters also, like aldehydes and in ketones, in carboxylic groups, in phenols, and you have other chapters also. In that you will see these reactions. So let's start with the first method of it, and we'll see from the haloalkanes. I think haloalkanes, you must be remembering, this is alkyl halides. So alkyl halides is haloalkane. So haloalkanes is what? Alkyl halides. The thing is, you have to remember. So there are few reactions which you have to focus. You can use this particular reaction is been taking place with haloalkanes reacts with your dilute aqueous solution of alkyl. Like NaOH, you can use KOH, you can use, even you can use moist silver oxide. So these things are there, and I have written all the things. Now let's focus a general formula first of all, then it will help you out. You know the alkyl halides are written in this manner, and suppose if you are using NaOH ki jagah you can use KOH also, aqueous condition hoti hai, theek hai. Bahut acha concept hai ki ek alkyl halides ko aap alcohol mein convert kar sakte hain, to ROH aapko milta hai plus NX. अब अगेन आई एम टेलिंग, अगर K लग जाए तो यहाँ K हो जाएगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब लेट्स फोकस ऑन इट. अब R में आप कुछ भी ले सकते हैं बेसिकली. देखो आपके कोर्स में R के केस में CH3C2H5 है, आप चाहो तो और भी ले सकते हो. X में कुछ भी ले लो, यू कैन यूज़ I, यू कैन यूज़ BR, यू कैन यूज़ CL, डजेंट मैटर. जो होगा आप इतने स्मार्ट हो यहाँ मालूम है कि वो चीज़ आएगी. सो लेट फोकस ऑन द वन ऑफ द एग्जाम्पल. सपोज करो आई टुक CH3 एंड CL आई एम यूजिंग, NaOH आई एम टेकिंग ओवर, ठीक है. आपका क्या हो गया CH3. आपको मालूम है ना ये चीज़, ये बनाना नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए करी. ये दोनों से रिएक्ट करेंगे, OH बन जाएगा और ये आपका NaCl. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर यहाँ BR लोगे तो यहाँ BR बनेगा, अगर यहाँ C2H5 लोगे तो यहाँ C2H5. मतलब पहले कंडीशन मिथाइल अल्कोहल आई, अगर इफ़ यू आर टेकिंग C2H5 तो यू विल गेट C2H5OH, दिस दैट इज इथाइल अल्कोहल. सो दिस इज द कंडीशन. अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर यूजिंग NaOH ओवर हियर यू आर गेटिंग NaCl, इफ़ यू आर टेकिंग KOH ओवर हियर यू विल गेट KCl. सो दीज टू रिएक्शंस ऑल्सो आई हैव रिटन विद रिलेटेड विद KOH एंड विद AgOH ऑल्सो, ठीक है. तो आप ये बना सकते हैं आराम से, यू नो हाउ यू कैन मेक इट. सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज़ वेरी गुड फॉर ऑब्टेनिंग योर प्राइमरी एल्कोहल्स. एंड प्राइमरी एल्कोहल्स कोई भी बना लो आप आराम से बना सकते हो. सेकेंडरी हेलो वो सेकेंडरी एल्कोहल्स भी आपका बन जाता है, और लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि सेकेंडरी एल्कोहल की कंडीशन में या टर्शरी एल्कोहल्स की कंडीशन में अगर आप देखें तो टर्शरी एल्कोहल्स में जो आप यहाँ देख रहे हैं वो चीज़ें नहीं मिलती हैं. टर्शरी एल्कोहल्स में यू गेट इट एल्कीन्स बिकॉज दे अंडरगोज डीहाइड्रोहैलोजनेशन. सो लेट फोकस ऑन इट. तो जैसे अगर सपोज करो टर्शरी एल्कोहल, अब तो आपको मालूम ही है कि टर्शरी एल्कोहल्स बनाने के लिए आप क्या, टर्शरी एल्कोहल बेसिकली ये चीज़ थी आपकी कि ऐसा टर्शरी एल्कोहल बने, है ना. पर इस मेथड से टर्शरी एल्कोहल नहीं बन पाता है. अगर आप कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो पॉइंट ये है कि वो एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल आपको नहीं देगा, वो आपको बेसिकली एल्कीन्स दे देता है ना, एज अ मेजर प्रोडक्ट. क्योंकि होता क्या है, जैसे सपोज करो आई टुक ओवर योर टर्शरी हैलाइड, ठीक है, हमने BR यूज़ करा और NaOH कर लिया. कंडीशन तो ये होनी चाहिए थी कि आपको सिंपली ये NaBR आपने लिखा दिया, NaBR बना और यहाँ OH हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ये बेसिकली किस किस कंडीशन में चला जा रहा है, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. मींस डी का मतलब होता है रिमूवल, तो इसमें हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और एक हैलोजन भी रिमूव होगा. तो कहीं से भी आप एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, सपोज करो ये दोनों आपने चूज़ कर लिए, आपकी चॉइस है, कोई इशू नहीं है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से रिमूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट होता है वो आपने जो एक BR भी गया और एक H भी गया, तो सपोज़ करो H के वजह से तो यहाँ पे H यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ से निकला और BR यहाँ से निकला, तो H यहाँ आया BR, ये समझाने के लिए कर रही हूँ. तो NaBR और वाटर
ये तो आपके बाय प्रोडक्ट्स बन गए। और मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, डीहाइड्रोहैलोजनेशन हुआ, तो यानी हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, एक BRB, तो आप कैसे भी बना लो इसको इस तरह से करके आपने, और इसको यहाँ लिया और साइड पे चाहो तो ऊपर ही ले जाओ, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, भाई मैंने ऐसे लिखा है तो मैंने ऐसा बनाया। तो बस आपको कार्बन की बैलेंसिंग देखनी, 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की बैलेंसिंग 4 है, इनकी भी 4 है, तो ये है। तो डी हाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रोजन भी निकला और हैलोजन भी निकला, ठीक है। तो दिस वे एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक एल्कीन जो है वो बन जाता है, यानी बनना क्या चाहिए था आपको ये, लेकिन ये ना बन के ये क्या बना रहा है आपको, इट इज़ फॉर्मिंग एन एल्कीन। सो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। तो आप ये याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल वगैरह तो अच्छे से बन जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल में भी दिक्कत होती है, उसमें भी वो एल्कीन्स बना, मतलब अल्कोहल भी देता है एल्कीन भी देता है, पूरा अल्कोहल नहीं देता, जैसे प्राइमरी में तुमने देखा पूरा अल्कोहल आपको मिल रहा है, लेकिन सेकेंडरी में क्या अल्कोहल देगा लेकिन एल्कीन भी देगा, टर्शरी में अल्कोहल बिल्कुल नहीं देगा आपको, वो एल्कीन बना देगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड वी कैन फोकस, ठीक है। अब रिडक्शन करेंगे आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा हो, जिसमें भी आ रहा हो, ठीक है। अब इसमें यानी एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी अ कीटोन्स, ठीक है, इट कैन बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यही सब तो हो जाएंगे, आपका एस्टर, कुछ भी हो जाए, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें ये चीज़ आपको दिखे, चाहे एक दिख रही हो कहीं दिख रही हो, ये सब ये सारे एग्जांपल, तो आप सबको लेके चलो। तो ये बेसिकली जो रिएक्शंस होता है, ये कंपाउंड जो होते हैं, अगर आप इनका रिडक्शन करा दो तो रिडक्शन हाइड्रोजन से होता है, चाहे नेसेंट हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन गैस हो, किसी से भी करा लो तो ये ईजिली आपको ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें देखो जैसा कंपाउंड तुम लोगे वैसा तुम्हें ये रिएक्शन के लिए तुम्हें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो ये तो कंपाउंड हो गए जो कार्बोनाइल कंपाउंड, दूसरी तुम्हें इसमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक है, तो ही आपका काम हो पाएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या ले सकते हैं आप ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये है, या आप चाहें तो आप निकिल को यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं, ये मतलब ये बेसिकली कैटलिस्ट है जिनकी प्रेजेंस में ये काम चलता है, जब भी आप लेंगे, ठीक है। नाउ एल्डिहाइड्स, मैंने लिखा ही था ना पहला, एल्डिहाइड्स आपको मालूम है, RC डबल बॉन्ड O, है ना, या H कुछ भी कह लो, या H ये डबल बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड को ले लो, तो ये हो जाएगा ना, मतलब आपके पास ये ग्रुप होता है। तो चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, निकिल हो या प्लैटिनम हो या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप, ये L है बेटा। अब रिडक्शन कैसे हो, रिडक्शन को ध्यान से समझो, ये जो H2 हैं आपके बेसिकली, जो दो आपके पास H के एटम्स अवेलेबल हैं, एक ये यहाँ जाएगा इस जगह पे फोकस करना, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों H2 यहाँ चले जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा RCH2OH। तो ये बेसिकली इसने क्या बना लिया, अपना फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब आप जो चाहो वहाँ लिख लो, सपोज़ करो यहाँ आपने R की जगह CH3 लगा दिया, C2H5 लगा दिया, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर CH3 लगा लिए तो आपको मालूम है इथेनॉल बनेगा आपके पास, ठीक है ना, तो आप आराम से R की जगह इनको पुट करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स आपको मालूम है, ये कीटोन्स की सिनेरियो होता है, ठीक है, इसका रिडक्शन वही हाइड्रोजन गैस के साथ कराइए, सेम कंडीशंस आप ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान से समझिए कैसे क्या हुआ, ये देखो H2 है, इसका प्लेसमेंट देखिए, ये इन्हीं जगह पे जाएगा, एक तो यहाँ पे क्योंकि O यहाँ पर है, तो 100% ये OH यहाँ बनाएगा, और यहाँ उसने R ये, और दूसरा H क्या, बैलेंसिंग कार्बन को नहीं करोगे तो यहाँ पे H बनाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिल गया। अब आप जो चाहें वहाँ कर लीजिए, R की जगह आप जैसा चाहें, R की जगह आप CH3 यूज़ कर लीजिए, C2H5 ले लीजिए, सपोज़ करो इसको देख लेते हैं, CH3 यूज़ करा, डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, H2 कंडीशन हम ले लेते हैं, तो इसने क्या करा आपका CH3COH बना, H आ गया यहाँ पे, लिख दो नीचे लिखने से अच्छा CH3, ये कुछ आपको याद आ रहा होगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर वैसे देखें, और प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा ना, नंबरिंग की 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया प्रोपेन टू ऑल, क्लियर हो रहा है सबकी मेरी बातें,
अब हम कार्बोक्सिलिक को ले लेते हैं. लेट्स फोकस ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की आपकी. तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का जब होगा तो इसमें आप हाइड्रोजन गैस ना लेंगे, आप हाइड्रोजन लेंगे. चलो पहले बैलेंसिंग बाद में करें तब समझ में आएगा. और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे. ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका. अब आप देखिए इसमें प्लेसमेंट आप कैसे करेंगे. तो प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत ध्यान देना. देखो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी OH है, ठीक है, और दो एक और H तो लगाओगे नहीं, यहाँ पे दो H तो कराओगे नहीं, आप सिंगल ही OH लेना है. तो आपकी क्या कंडीशन आएगी ये आपको ध्यान दे के चलना है कि आप इस H को देखिए कि हाँ कुछ H आपका यहाँ आएगा, कुछ H यहाँ आएगा. अब देखते हैं वो कैसे आएगा. R, एक तो H जो है वाटर बना लेंगे. चलो वाटर को साइड करो, यानी दो H की ज़रूरत पड़ गई हम लोगों को. ठीक है, अब बाकी H की बैलेंसिंग देखो. अगर हम इसको देखते हैं, मानने के बाद ये हटा हमारा, यहाँ से H जुड़ा है, वाटर इसने बनाया, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें जोड़ना ही. यहाँ OH बचा, डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं है, तो ये क्या हुआ, OH हो गया. ठीक है, OH हो गया. बाकी आपको बैलेंसिंग क्या करनी है, आपको सारी बैलेंसिंग हाइड्रोजन से करनी है. कैसे कार्बन की फोर बैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे. यहाँ पे अगर H लगाओगे, ठीक है, तो एक H यहाँ जुड़ा, दो H यहाँ लग गए. ठीक है, तो आपको थोड़ा वो ध्यान देना है ना कि भैया एक H यहाँ लगा, दो दो ये एक इधर आया, एक H यहाँ पहुँचा, इसको बैलेंसिंग करनी है. तो आपके फोर कार्बन एटम की टेट्रा वैलेंसी होती है, उसको भी आपको सेटिस्फाइड करके चलना है. तो ये आपका अल्कोहल बन गया, आपका कोई ऐसा इशू नहीं है. ठीक है, तो ये अब आप अपनी हाइड्रोजन देखो आपने कहाँ का इस्तेमाल करें. एक यहाँ इस्तेमाल करें, यहाँ इस्तेमाल, यहाँ यहाँ, यानी चार हमने हाइड्रोजन आइटम इस्तेमाल करें. तो ये हमने फोर लिख दिया. ये कभी ऐसे भी लिखा होता है, कभी कहीं स्क्वायर ब्रैकेट में एच लिखा होता है, तो कोई इशू नहीं है. जैसा आपको याद करना हो वैसे आप कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द केस विद द कार्बोक्सिलिक एसिड. लेट्स फोकस विद द रिडक्शन ऑफ एस्टर. एस्टर तो पता ही होगी ना कि अभी भूल गए हो कि सी ओ ओ आर होता है. ठीक है, ये आर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. तो ये आप देख के चलें, इसको देखिए इसका क्या रिडक्शन होगा. आर देखो, इसके पास भी अपना कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसीलिए मैं खोल दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप क्या लेंगे. हाइड्रोजन के साथ सीधे ही लगाना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक, अब देखो इनको फोकस करते हैं हम कि हम कैसे क्या करें. अब यहाँ से ले लो ये वाला आर जो है, इधर हटा लो, इसको अलग हटा लो. ठीक है, तो इसमें बेसिकली तुम्हें एल्कोहल्स तुम्हें देखोगे तो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो ओ हैं, दो ओ वहाँ पे भी थे लेकिन आर नहीं था वहाँ, है ना, हाइड्रोजन था, इसीलिए वहाँ पे एल्कोहल नहीं बन पाया. क्योंकि यहाँ पे जो इनकमिंग आ रही थी वो हाइड्रोजन की आ रही थी, एल्काइल ग्रुप की तो नहीं थी. तो तुम सोच सकते हो कि वहाँ क्यों नहीं बना दिया हमने दो एल्कोहल्स, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इसके फॉर्मूले में दो आ रहे हैं, तो दो तरह के एल्कोहल्स आपके बन जाएंगे. अब देखो अगर फोकसिंग हम यहाँ से करें, ये करना नहीं है, समझने के लिए करो. यहाँ से आपने डिवाइड करा, तो अब आप बैलेंसिंग करेंगे आपकी. कैसे करेंगे, आर सी ये ओ एच हो जाएगा. ठीक है, आर सी ओ एच हो जाएगा. इसको भी बैलेंसिंग अभी हमें करना है कि कैसे हम ही, क्योंकि ये हमारा बैलेंस नहीं है. अब ध्यान देखो यहाँ ओ एच हो गया, कितनी कार्बन में हाइड्रोजन लगानी चाहिए, खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ. ठीक है, थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो ये तुम्हारे दो हाइड्रोजन यहाँ बढ़े तुम्हारे. ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात. अब यहाँ पे आओ, ये आर है, इस आर के कंडीशन में देखे जाए, और दो दो क्या, दो तो ये बढ़े और एक इस ऑक्सीजन के लिए भी तो बढ़ा, तो थ्री हाइड्रोजन तुम ये यूज़ कर सकते हो. अब ये वाला आर ओ डैश लगा हुआ है ना, ये अलग एल्कोहल बना है, तो यहाँ क्या हुआ आपका, इसमें भी जुड़ेगा. कैसे बैलेंसिंग होगी ऑक्सीजन की, एक ही यहाँ है तो यहाँ पे भी, तो ये ऑक्सीजन इस तरह से हाइड्रोजन है, इस तरह से आपकी ये ऑक्सीजन की भी बैलेंसिंग सेटिस्फाइड होगी और कार्बन की. अब सपोज़ करो हमने आर की जगह सी एच थ्री यूज़ करा, सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ सी एच थ्री. अच्छा, इसको बैलेंसिंग कर लो, चार ही यूज़ करें, चार लगा लो पहले, प्लस एच. अब इधर देखो, करना नहीं ऐसे, सिर्फ समझने के लिए कर लो. ये इसको कर लो, क्या हुआ, सी एच थ्री ओ एच एक पूरा हुआ. अब इसको करो सी एच थ्री सी, ठीक है, इसको बैलेंसिंग करें सी एच टू ओ एच. यहाँ पे तुमने अपना फोर हाइड्रोजन के एटम लगा, तो ये एक प्रिपरेशन है आपकी एल्कोहल्स की. अब हम दूसरी एल्कोहल की प्रिपरेशन देखें. ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स को देख के चलते हैं. ठीक है, दीज आर प्राइमरी अमीन्स को अगर हम देखें तो ये ट्रीट करता है, आप प्राइमरी अमीन्स को पहले समझ लीजिए, प्राइमरी अमीन आर एन एच टू होता है. ठीक है, ये ट्रीट करता है आपका नाइट्रस एसिड से. प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद
नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2. ये HNO2 ऐसे ही नहीं मिलता अपने आप कि तुमने बना लिया अपना. ये HNO2 बेसिकली बनता है इससे. ये आप ऑब्टेन करते हैं NaNO2 प्लस HCl. इससे आपका नाइट्रस एसिड बनता है. कैसे बनेगा? NaCl और HNO2. ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड आपको मिलता है. समझ में आ रही है? नाइट्रस एसिड हवा में नहीं बनेगा, इन दोनों का रिएक्शन होगा तब HNO2 आपका बनेगा. नाइट्रेट 2 है बेटा. ठीक है, अब आप यहाँ देखो, प्राइमरी अमीन है, आपने HNO2 के साथ रिएक्शन करा दिया. अब कैसे कैसे आपका प्रोडक्ट्स बनेंगे ध्यान दीजिए. यहाँ पे 2N है, पहले हम बाय प्रोडक्ट्स को देख लें. 2N है, हाइड्रोजन भी है, तो वाटर और वो अलग निकाल दो. N2 प्लस वाटर, ये निकल गया आपका, क्योंकि ये N और N N2 बनाएगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा, कहीं से बना लो जो भी. और बाकी क्या हुआ? ROH, ये आपका एल्कोहल. अब आप जो चाहो बना लो. सपोज करो CH3 लिखा, NH2 करा, HNO2 लिखा, क्या हो गया ये CH3OH प्लस N2 प्लस वाटर. बैलेंसिंग एक बार चेक कर लो. 2 ऑक्सीजन है, हाँ 2 ऑक्सीजन है. कितने हाइड्रो 3 हाइड्रोजन है, हाँ 3 हाइड्रोजन है. 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है. ये बैलेंस है. तो ये है, अब आप जो चाहो अपना कर लो. आप CH3 मैंने यूज़ कर रखा है, आप C2H5 के साथ भी बना लेना. ठीक है, तो CH3 के साथ भी बना लो, C2H5 के साथ भी बना लो. तो ये एक अलग कंडीशन है. अब एक और इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, चली आ रही हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है. इसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स तीनों बना सकते हो. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है. इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप कोई भी एल्डिहाइड को यूज़ कर लो और कीटोन को यूज़ कर लो, उससे बना लोगे. ठीक है, दूसरी कंडीशन है, याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स सब बन जाते हैं इससे. यू कैन प्रिपेयर इट. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन. इसका जो जनरल फॉर्मूला उससे फोकस करते हैं. देखो, एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, सब में यही होता है. अगर एल्डिहाइड लोगे तो H और R या HH रहेगा, कीटोन लोगे तो RR रहेगा. ये तो सबको पता है. ठीक है ना, कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्या है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, ये पॉजिटिव होता है पार्शल, ये इस कंडीशन में ये नेगेटिव होता है. ये तो नेगेटिव पोर्शन है ही. ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है. ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका. ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो पहले एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है. और वो एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनता है उसको ध्यान से देखो. ये सी है, ये डबल बॉन्ड इसको ही शो कर रहा है. ये डबल बॉन्ड बेसिकली टूटता है. अब ओ के साथ क्या अटैच हो, इसमें देखो 2 पोर्शन होते हैं, इसमें ध्यान से समझना. ये ऐसे डिवाइड होता है, पॉजिटिव एंड रहा है ये इधर, यहाँ पे आर लगता है और यहाँ पे MgX. तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट है. ठीक है, ये फर्दर वाटर हाइड्रोलिसिस, जो बेसिकली एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, उस पर जाता है. ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड है, कोई भी ले सकते हैं, एसिड सब्स्टेंस कुछ भी. तो ये हाइड्रोलिसिस जाता है विद इन डाइल्यूट एसिड और ये चेंज होता है. चेंज कैसे होता है, यहाँ से. अभी मैं जो बना रही हूँ, तुम लोग ये ऐसे मत बना, समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए. टूटे, ब्रेक होगा, CROH, ये अल्कोहल तुम्हें यहाँ पे मिल गया. और साथ में क्या मिला, ये MgOHX. ठीक है, ये इसका नाम लिख लो, हाइड्रोक्सी, बहुत या बहुत काम आएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड. अब आप जो चाहो वहाँ बनाओ. सपोज करो तुम्हें स्टार्ट करो, देखो अब तुम खुद सोचना. मैंने एल्डिहाइड चूज़ करा है. ठीक है, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर रही हूँ. ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करो, RMGX. ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करा, वही अपना पुराना हमने ऐसे करा. इसके साथ R लगा दो, इसके साथ O, ये पोर्शन लगा दो, OMGX बाय प्रोडक्ट है. ठीक है, अभी टूटा, जब ये टूटा मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, टूट चुका है. तो ये फदर किस पे आया आपका, इसको आप वाटर हाइड्रोलिसिस करोगे एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ. याद आ रहा है कुछ, अभी मैंने बताया था, इसको ऐसे तोड़ दो. तो ये HHCROH कैसे भी लिख दो, इसमें कोई इशू नहीं है. प्लस वो वैसे ही रहेगा आपका, कैसे रहेगा, MgO और X यूज़ करा है. अब आप कुछ भी ले लो ना, इसमें कोई इशू तो है नहीं भाई. X में आपने सपोज करो X की जगह आपने Cl ले लिया, R की जगह
CH3 ले लिया, ठीक है। अगर सपोज करो हमने ये कंडीशन यूज़ करी तो हमारा नाम चेंज हो जाएगा, हम अपने हिसाब से अपना जो चाहे वो अपना लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो यही हुआ तो हमारा जो चेंजेस प्रोडक्ट, हम मेन प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, तो ये जो चेंज होके आएगा क्या होगा, HHCCH3, ठीक है, OH। इसको ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली अगर इसको बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, कंडेंस करोगे, तो ये क्या है आपका, छोटा करके देखो, CH3CH2OH क्या आ रहा है, इथेनॉल, ठीक है। और दूसरा जो इसका ये बना MgOH, हमने X की जगह क्या लिया है, Cl लिया है। नाम तो लिखना आता ही है तुम्हें, नाम क्या लिखोगे इसका, अगर अभी मैंने तुम्हें बताया है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, वही लिखना कोने में, ठीक है, यहीं इसी की जगह पे, तो ये नाम आ जाएगा ये आपका इसी तरह। तो आप ये आराम से बना सकते हो। सो दिस इज़ द केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अब ये आपके प्राइमरी अल्कोहल बने, तो अब समझ में आया, जो मैंने LDI लिखा था इससे आप क्या बनाओगे, इससे आप यू विल प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल। अब समझ में आया, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिखा था कि जब एंड में आएंगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुम्हारा क्या बन रहा है। नॉलेज सी द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में आप LDI लोगे और आप अब लोगे जिसमें एक एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, सॉरी OA प्लस RMGX। अब तो याद हो जाएगा आराम से, यहाँ लिखा, ठीक है, C या एक और R है ना, फ़र्क है, तो R डैश लगा लो ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, H, ठीक है, और OMGX। फर्दर करें हम, वाटर हाइड्रोलिसिस है जो बेसिकली डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस पर है, तो हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, आपका R C R डैश H, भाई बताते हैं ना हमें तोड़ने के लिए, OH, यहाँ पे क्या हो गया आपका, आपका MG ब्रैकेट में लिखना OHX, क्योंकि फिर अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो OHX होगा, क्या होता है OHX, तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, ठीक है। तो R की जगह यहाँ पे CH3 लेके आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, जब कराओगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी ले लो CH3 MgBr ले लो यहाँ पर। अब देखो कैसे क्या बना हमारा, ये हमारा आया CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये भी CH3। अब तो हम करेंगे ना OMGX MgBr, वाटर हाइड्रोलिसिस कराया आपने, तो ये क्या हो गया आपका CH3 OH OHBr, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, आपको पता है प्रोपेन टू ऑल है, और मैंने बताया था ना इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे ही लिखते हैं ना आइसो वर्ड से, ठीक। तो ये आपका, अब नाउ लेट्स फोकस ऑन द टर्शियरी अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल जो आपका बन रहा है टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे देखो एक ही R यूज़ करा है हमने, अब यहाँ पे हम दोनों R यूज़ करेंगे, दे कैन बी सेम दे कैन बी डिफरेंट, तो इनको R1 R2 लिख लो, इधर भी जो आ रहा है देखो R3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रिग्नल रीजन के पास भी होता है, अब तुम अपने हिसाब से अटैच कर लो भाई, R1 R2 यहाँ पे R3 अटैच्ड हो जाएगा, या OMGX। फर्दर वही एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, R1 C R3 R2 और यहाँ OH प्लस MgOH ब्रैकेट में X। अब वही वाली बात है, अब जो चाहें R को, मुझे लगता है अब तो हाई टाइम है आप बना लेंगे, ये कीटोन आपने यूज़ करा रखा है, फ्रॉम यू आर प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम कीटोन, देखो कीटोन ही है ना, दो आ रहे हैं आपके, तो R के केस में CH3 यूज़ CH3, और X की जगह आप BR या CL कुछ भी यूज़ कर ले, आई थिंक नाउ यू कैन डू इट, सो दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी विद द एग्जांपल, जो हमने फ़र्क लिया है, अब हम सब जगह चेंज कर देते हैं जो हमने यूज़ करा है, यहाँ पे भी CH3 MG और BR यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, CH3 एक एडिशन प्रोडक्ट बना हमारा, ठीक है। फर्दर हमने इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, वाटर वाला, वाटर है ना डाइल्यूट एसिड आप लोगे, तो ये CH3 CH3 OH, देखो टर्शरी
आपका एल्कोहल बना और ये आपका MgOHBr। ठीक है, बार बार इस नाम को तो लिख नहीं रहे, लेकिन हाँ इस नाम को हम लोग लिख सकते हैं अगर याद हो तो। ये टर्शरी आपका ब्यूटाइल एल्कोहल है। ठीक है, तो दिस वे यू कैन राइट डू योर दिस प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस योर डिफरेंट प्रिपरेशन। वन मोर पार्ट इज ऑल्सो रिमेनिंग, सो आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो, इन दैट वील डू द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ रिमेनिंग एल्कोहल पोर्शन।